बहुत एक्साइटेड लग रही हैं, आपने सोशल मीडिया द्वारा आपने बता दिया है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं फिल्म को लेकर, फिर भी यहाँ पे बताइए। बेसिकली जब भी सुपर हीरोज और कुछ भी ऐसे कार्टून बेस्ड या ऐसी फिल्में आती हैं, चाहे डिज्नी की फिल्म हो चाहे कुछ भी हो, ये जो हैं ही इज़ सो फॉन्ड ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ मूवीज। सो जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला, यूजली हम एक्टर्स हैं, हमें काफ़ी प्रीमियर्स में बुलाया जाता है, आई मोस्ट ऑफ द टाइम मिस ऑन टू दैम विच इज़ माई बैड, एंड फिर मुझे सॉरी भी बोलना पड़ता है किसी ना किसी वजह से, बट यहाँ पर आना वॉज नेसेसरी बिकॉज ऑफ हिम एंड पर्सनली ऑल्सो व्हेनेवर वी कैच अ मूवी, हमने काफ़ी बार इसका ट्रेलर देखा, सो वी वॉन्टेड टू कैच दिस मूवी एंड वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, सो वी थॉट लेट्स गो। कैसा लगा ट्रेलर और काजोल मैम की वॉइस और कैसी लगी है आपको? वी डू नॉट सी दैट वन, आई नो कि काजोल ने वॉइस ओवर दिया है, बट वी डू नॉट सी दैट वन, राइट? नो वी डू नॉट, बट इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। अच्छा है अवार्ड को सेलिब्रेशन करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आई एम गोना गेट अ, आई एम गोना वॉच अ मूवी, व्हाट एल्स? ईद वॉज अ वेरी फैमिली फैमिली अफेयर, वी हैड लंच टुगेदर एंड शाम को फर्स्ट ही वॉज इन्वाइटेड टू माई हाउस एंड आई वॉज इन्वाइटेड टू हिज हाउस, तो हम दोनों एक दूसरे के घर जाके सिर्फ खाना खा रहे थे। So all that was happening. अच्छा ही ना, इस बार बिग बॉस 12 जो कपल है, ओह गॉड, टीम है, ऐसा कौन सा कपल है टेलीविजन का जो आप साथ में जाते हुए देखना चाहेंगे? मैंने कल भी इसका जवाब यही दिया था कि जो कपल जाना चाहता है वो जाए, आई हैव नो, आई मीन आई डोंट सी एनी, आई जस्ट वॉन्ट टू सी गुड फेसेस जो हमें एंटरटेन करे, अच्छे लोग, और इस बार का बिग बॉस भी इट्स अबाउट जोड़ी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कपल्स, तो कोई भी जोड़ी जा सकता है। या इट्स अबाउट जोड़ी, इट्स नॉट अबाउट कपल्स, सो कोई भी जा सकता है, फादर सन एनी वन कैन गो। अच्छा योगा डे आ रहा है, क्या कहना चाहेंगी? यस यस, टुमारो राइट, सो आई एम एक्साइटेड, कुछ करूँगी मैं। आज ही मैं अपने ट्रेनर को बोल रही थी कल योगा डे है, आई वॉज टेलिंग हिम इन द कार ऑल्सो। या लॉट अ लॉट, मैं योगा भी करती हूँ, वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ, फंक्शनल भी करती हूँ, सब करती हूँ। I would like to be invisible. You'd like to be invisible. Same. Thank you. Thank you. Solo or? All good? Okay. Why you? What's up? How's Gauri? Gauri's fine, she's not. These guys just got back yesterday. They're still really under that jet lag. I know, y'all were out. Yeah. So Gauri couldn't keep her eyes open. I mean, just actually doing it. I'll leave her. Good night. Even I have come here to watch this. Yeah. Chal si wa. Yeah. I'll take her. Chalo. Okay, Rolly. Ladies and gentlemen, itne sare logon ko salaam. काफी एक्साइटमेंट दिख रहे हैं आज। नहीं, क्या होता है कि भाई जैसे बोला ना, हर एक के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, तो वो बच्चा जाग जाता है जब आप ऐसी फिल्में देखते हैं, तो ये है तो बच्चों की फिल्म लेकिन हम भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फैमिली टाइम। देखिए क्या होता है, जब भी हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम होता है, दैट इज फैमिली टाइम, तो वैसा ही है, थोड़ा सा टाइम मिला और इन लोगों की छुट्टियाँ, इनकी छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो चलो। देखो यार, अगर ऐसा कुछ हो पावर, देखो ट्रैफिक इतनी हो गई है और पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए, अगर उठने का सुपर पावर आ जाए तो इट विल बी बेटर आई थिंक। हाँ हाँ, अभी मिले ना, तो हम जरूर कुछ ना कुछ पूछोगे, तुम्हारे कीड़े जाग उठे, पूछो तो जी।
बहुत दिनों के बाद अच्छा लगा उनसे मिलके, काफ़ी दिनों आई थिंक लास्ट हम तभी मिले थे जब फिनाले था, उसके बाद आज मिले, वैसे बातचीत होती रहती है बट मिले रूबरू, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ बिग बॉस 12 आने वाला है, जो कपल थीम पर आ रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे वो जो कपल जो अंदर जाएंगे उनको सलाम और उनको ऑल द बेस्ट। ओके, एक आखिरी सवाल, मैं सलमान सर की फिल्म नहीं देख पाया लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगा क्योंकि मैं था नहीं, मैं जस्ट अभी लौटा हूँ बाहर से, अब आ गया हूँ, अब ज़रूर जाऊँगा देखने। Incredibles 2. The funny thing is I know all the lights are using. Very excited, yeah. I loved Incredibles 1 and Incredibles 2 is not there, is right here. जी सच बोलूँ तो मैंने प्रोमो देखा नहीं है लेकिन मैं इनक्रेडिबल्स 1 का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो मुझे प्रोमो देखने की ज़रूरत नहीं है। एनी वेज कैन बी वेट फॉर। बहुत ज़्यादा मैं खुद एक एनिमेटेड कैरेक्टर हूँ। हाँ ये सच है। मेरी बीवी से पूछो यार। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली कल से सिद्धांत और मैं सुबह 7 बजे योगा शुरू कर रहे हैं और हमें पता नहीं था कि कल योगा डे है, सो थैंक यू। इसीलिए योगा से ही होगा, राइट? दैट्स द टर्म। थैंक्स लॉट। थैंक यू। यहाँ पे मिडवे आ जाओगे तो बता देना, पेट अंदर मिलूं। इंग्रेडिबल्स की तरह लग रहा हूँ। इट्स अ किडी फिल्म। आई एम वेरी एक्साइटेड, मोर देन मी आई थिंक दिस लिटिल बेबी इज एक्साइटेड। शी आर यू एक्साइटेड? यस। ओके, आपने प्रोमो देखा होगा तो कितना पसंद आया आपको? लाइक द प्रोमो? यस। व्हाई यू गिविंग सच अ डल आंसर? आई डिडंट सी द प्रोमो टिल येट। ओके, आई थिंक द फिल्म लुक्स इंटरेस्टिंग, किड्स विल लव इट, आई विल आल्सो लव इट। ओके सर, एनिमेटेड फिल्म कितना पसंद है आपको? वी लाइक इट व्हेन द स्टोरी इज गुड, इंटरेस्टिंग, फनी, ऑफ कोर्स वी लाइक इट। ओके सर, कल योगा देखेंगे। I believe in anything that keeps you fit, whether it's yoga, whether it's gym, whether it's running, cycling, swimming. So, jitne forms of exercise hai, I try to do, yes, little bit of yoga also. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No, not behind me. वो शकल घुमा लेगी। नहीं घुमाना है, ठीक है शकल? You have to face there. No, you can't stand there. No, I'm coming. No, she won't. She won't. बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरी बेटी को है, सो आई एम एक्साइटेड दैट शी इज एक्साइटेड।
सो इट्स नाइस, आज छुट्टी का दिन था एंड सो आई थॉट कि मीरा के साथ जाकर देख लें. सो शी हैज सीन द फर्स्ट पार्ट, आई हैव इवन सीन द फर्स्ट पार्ट, सो शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आपने प्रोमो देखा होगा काजल मैम ने. सॉरी हाँ सॉरी, आई हैव रेड ऑफ इट, आई हैव नॉट. आपने देखा है कुछ वॉइस? नहीं 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 नहीं. बच्चों की नहीं बनती है ऐसी फिल्म, वो तो डेफिनेटली पसंद करती हैं, तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड. क्योंकि सर बॉलीवुड में देखा जाता है कि बच्चों की फिल्म कम बनती है, वो क्या लगता है सर, क्या रीज़न है कि व्हाई देयर इज अ लो फिल्म इन बॉलीवुड? यार आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजीशन टू फिगर आउट व्हाई इट हैपेंस, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ कम फिल्में बनती हैं बच्चों के लिए. सो I don't really know why this happens. So, yeah. क्या Hi everyone, hello. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड टियारा है. टियारा हाउ एक्साइटेड आर यू, टेल मी, टेल देम. रियली एक्साइटेड, रियली एक्साइटेड. प्रोमो तो बहुत ही पसंद आया हमने. इनक्रेडिबल फर्स्ट जो है, फर्स्ट इनक्रेडिबल भी हमने 5 बार से कम नहीं देखी होगी. इनफैक्ट हम अभी 3-4 दिन पहले ही हम वापस रिपीट करके देख रहे थे. एंड थैंक्स टू नेटफ्लिक्स, यू कैन वॉच ऑल दीज थिंग्स यू नो वेन एवर यू वॉन्ट. और मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ एनिमेशन फिल्म्स की. सो नेम इट कार्स और हॉट इन हियर्स हु, और आप कोई भी एनिमेशन बोले, फाइंडिंग नीमो एंड ऑल, वी बोथ, आई मीन इसके साथ में जितनी भी फिल्म्स होती हैं एनिमेशन फिल्म्स, वो मैं सारी देखती हूँ. सो वी वी लव वॉचिंग एनिमेशन एंड इनक्रेडिबल टू वॉज आवर वॉज ऑन आवर लिस्ट. And thanks to Nilima, she has called us and we are watching it before the release. Yay! Okay, Kajal ma'am ka voiceover hai, to kitna pasand aaya aapko is film mein? Okay. So I am also looking forward ki jitne bhi ye voiceovers hai, kyunki ab mujhe bhi bada maza aata hai voiceovers dene mein. So I'm really looking forward to watch this and it's gonna be fun. I'm really looking forward to a great evening. Thank you so much. Thank you. You're excited too? Visual ma'am. Come, come Shona. One second. Is this scene? No, na? Can you hold it for me? Thank you. Hello, hi. Ma'am, how was excitement to watch this film? Excitement film definitely hai hi, lekin saath mein is मूवी डेट पे मेरा साथ देने के लिए मेरा आई है. सो आई एम रियली इवन मोर एक्साइटेड. यस, ये हमारी पहली मूवी डेट है एक साथ एंड वी आर हियर टू वॉच इनक्रेडिबल्स 2. यस. ओके, आपने प्रोमो देखा होगा तो कितना पसंद आया आपको? मोर देन द प्रोमो आई थिंक एक्साइटमेंट इस बात की है कि हमने पहला देखा है एंड ये दूसरा है. सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द एक्साइटमेंट. ओके मैम, आपने देखा होगा या? हाँ, मैंने फर्स्ट पार्ट भी देखा, मैंने प्रोमो भी देखा. बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फन वॉचिंग दिस मूवी. यही होता है जब बच्चे आते हैं मूवी, है ना. अभी का
उसके साथ खतरों की खिलाड़ी भी आप करने वाला न्यूज़ आ रहा है सामने, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? टू मच ऑफ एक्साइटमेंट एंड एट द सेम टाइम टू मच ऑफ नर्वसनेस, बिकॉज कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, बिकॉज जो भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ उससे बहुत कुछ अलग ही होने वाला है। अच्छा, कितना ज़्यादा फॉलो करती थी इससे पहले का अगर सीजन की मैं बात करूँ? खतरों की खिलाड़ी, हाँ मैंने बहुत फॉलो किया बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ रोहित शेट्टी, सो एंड द स्टंट्स ऑफ कोर्स, लेकिन सिर्फ इसीलिए फॉलो किया क्योंकि मैं लोगों का मजाक उड़ा पाऊँ कि अरे इससे ये नहीं हुआ। So now it's gonna be the return. अच्छा, वहाँ जाके ऐसे कौन से डर है जिसको आप सबसे ज़्यादा दूर करना चाहेंगे, ऊंचाई का किसी? मैं हम लोग अभी इस बारे में बात कर रहे थे, मैंने इन्हें भी यही बताया कि मुझे एक्चुअली पता नहीं है मुझे किस बात का डर है अभी फिलहाल, क्योंकि आई एम नॉट रियली स्केयर्ड ऑफ वाटर और हाइट और एनीथिंग, जो भी होगा वहाँ जाके पता चलेगा। आई थिंक अविका इज़ गोइंग टू किल इट देयर, वो सारे टास्क में अपना 100% देगी एंड आई थिंक शी इज़ गोइंग टू डू अ ग्रेट जॉब इन खतरों के। मैं बहुत फिल्म देखती हूँ, ऑन एन एवरेज वन अ डे भाई, इट्स रूटीन फॉर मी टू वॉच मूवीज एंड आई एम फॉन्ड ऑफ एनिमेशन, मुझे एनिमेशन का बहुत शौक है, सो आई एम होपिंग टू हैव अ गुड टाइम। बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मुझे लगता है एनिमेशन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मैंने पिछली एक फिल्म देखी थी इनसाइड आउट, जो मुझे बहुत पसंद है, वो भी एक एनिमेशन फिल्म है। इनफैक्ट इट मेक्स इट्स सो सेंसिबली डन एंड देयर इमोशंस आर ऑल्सो सो जेन्युइनली पोर्ट्रेड बिकॉज there is no human connect, but it's beautiful, the way they scripted, the way they do it, it's amazing. It looks interesting, it's very colorful, I'm sure kids ko bahut achhi lagegi. Maine first part nahi dekha hai, but I'll watch it now. Ab Krishna sir aur Aarti ma'am koi comedy show lekar aa rahe to kya aap unhe kaun Krishna Chichi Mama and Bharti, ye kaun sa show hai? कोई नया शो लेकर आ रहे दोनों साथ में, रियली आई हैव नो आइडिया, विच चैनल इज दिस जो खबर आई है मिली हमें, ये कौन से सूत्र है मुझे भी बता दो, मंगल सूत्र तो नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दिस एंड आई जनरली हैव नो आइडिया। या ओके, संजीव श्रीवास्तव को आपने देखा होगा जो गोविंदा की काफी डांस करते, काफी वायरल हुआ है वो, जो अभी जिनका गाना वायरल हुआ, हाँ आई हैव सीन हिज 2-3 वीडियोस, सम पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री वर वेरी जेनरस इन शेयरिंग इट, बट या आई हैव सीन इट्स वेरी एंटरटेनिंग एंड आई थिंक ही डांस्ड विद हिम ऑन सम नॉन फिक्शन शो, सो आई थिंक इट्स वेरी स्वीट, मुझे तो बहुत मजा आया। इनफैक्ट हमारे घर में हम सब ने एक दूसरे को वो भेजा है, मेरी कज़न टीना जो चिची गोविंदा जी की बेटी है उसने कुछ शेयर किया था उसको इंस्टाग्राम पे, सो आई थिंक इट वाज रियली स्वीट एंड आई एम श्योर चिची मामा लाइक इट, आई लेट यू नो, थैंक यू गाइस, सॉरी घर वाले नहीं मिल पाते आजकल, माय बैग, हाँ थैंक यू, हाँ हाँ तो कर रहे होंगे व्हाट बाबा बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि
आई थिंक कॉलेज में आई सॉ द फर्स्ट वन एंड पिक्सार की वन ऑफ द क्लासिक्स है जो बहुत बड़ी बात होती है पिक्सार की मोस्ट ऑफ द मूवीज आर क्लासिक्स सो वेरी एक्साइटेड टू सी इट एनिमेशंस मूवी की बात करें तो आप कितनी एनिमेशंस मूवी देखते हो और कितना अच्छा लगता है एनिमेशंस मूवी ऑलमोस्ट सारी देखता हूँ जो बड़ी बड़ी हिट्स होती हैं जो मतलब डिज्नी या पिक्सार की होती हैं सारी देखी हैं एंड फाइंडिंग डोरी इनक्रेडिबल्स ऑल ऑफ देम लायन किंग से लेके अब तक सीन द वॉल वॉच द मूवी गाइस प्लीज इट्स रियली रियली गुड एंड या आई लेट यू नो वंस आई वॉच द मूवी हाउ इट इज नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या आ रहा है आई विश आई न्यू मुझे नहीं पता अभी जब पता चलेगा आई लेट यू गाइस नो Thank you. Hello. क्या बंस वो हेलो व्हाट गुड इवनिंग आपको दिख नहीं रहा मैं कितनी एक्साइटेड हूँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आई लव इनक्रेडिबल्स फ्रेंचाइज मुझे बहुत पसंद है मूवी और मतलब इतनी बार देखी है द फर्स्ट वन इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म टू वॉच वेन एवर योर आई एम सिटिंग एट होम एंड मूवी देखने का मन करता है सो मैं बहुत खुश हूँ आई एम रियली हैप्पी आर वी गोइंग टू सी द हिंदी वन ओके सीइंग द हिंदी वन हाँ अफकोर्स सो मुझसे अभी पूछा उन्होंने कि इनक्रेडिबल्स का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है एंड द वाइफ इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर द बेबी ऑल्सो बट द वाइफ इज़ डेफिनेटली माई फेवरेट कैरेक्टर एंड काजोल ने डब किया है सो इट्स ग्रेट दैट देव गॉट ब्रिलियंट एक्टर लाइक हर टू डब फॉर द हिंदी वन इट्स ग्रेट मैं योगा कर सकती हूँ यहाँ पे हैंड स्टैंड कर मैं क्या कहना चाहूँगी योगा डे के लिए आई थिंक इट्स अमेजिंग दैट योगा जो यू नो ईस्ट से निकला है हमारी कंट्री से निकला है वो अब पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट होता है एवरी वन फॉलोज इट इट्स फैंटास्टिक एंड यू नो हमेशा वेस्ट को हम बढ़ावा देते हैं बट एक्चुअली वी हैव द रियल ट्रेजर्स एंड सो इट्स ग्रेट एंड योगा सबको करना चाहिए एक बेसिक जो योगा का होता है प्राणायाम मेडिटेशन ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं टू लीड अ हैप्पी हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ सो येस एवरी वन शुड प्रैक्टिस योगा एंड एवरी डे शुड बी शुड बी योगा डे थैंक यू Let's do it together. Romans are coming. वेरी मच बिकॉज हम सबके बचपन का हम सबका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिज्नी द मेक ब्यूटिफुल एनिमेटेड मूवीज वी ऑल हैव ग्रोन अप वॉचिंग इट एंड आई लव देम It's superb. I've seen the first part also. I love the whole family chemistry and the super power. Okay, Kajal ma'am ka bhi voiceover hai to kitna pasand hai aapko? Bahut pasand hai. Wo puri mujhe bahut pasand hai. So I think it's going to be a cherry on the cake with her voice in it. Okay, you know, Jasmine, after 14 years, Incredibles is coming with the second part. So excited hai ki kya expectations hai? Expectations, see, I always expect a lot of fun, entertainment and humor.
from these kind of movies, and that is what I'm looking forward to. एक्साइटेड से ज़्यादा मैं नर्वस हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करती, बिकॉज एवरी टाइम दैट थॉट कम्स इन माई माइंड आई गेट वेरी स्केर्ड. सो बट येस आई एम एक्साइटेड बट मोर नर्वस. अच्छा, ऐसा कौन सा डर है जो आप वहाँ जाके दूर करना चाहेंगी? As I said in an interview earlier, I am a girl who believes in dolls and unicorns and dreams. So मुझे हर चीज़ से डर लगता है, be it height, be it water, be it creepy crawlies and everything. I don't know कितने डर दूर कर पाऊँगी, but yes, it will be an adventure for me. अच्छा, योगा डे आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कितना ज़रा फॉलो करती हैं आप योगा को? Most important thing, we all run towards what West is doing. But it's time for us to realize the West is also believing so much in yoga. It was born here. It's our culture. It's part of our our country. We should really follow it, because yoga is the healthiest thing we can do. It's not just for how you look outside, for your internal body. Yoga is the most important part, and all of should give at least 10 minutes every day to yoga. Thank you, guys. Thank you. No one is talking. We just need to. Come in. We're not talking. Come on. Sasha, come on. No. I don't understand. No. We're not talking. Sasha, come on. No talking, Sasha. We're just taking a picture. Fine. Go. Sasha, come on. One question. How excited are you, Saisha? Amara? Very excited. Very, very excited? Yeah. Yes. Really? Yes. Huh? What? Tip. Go. You're choking me. हाँ बिल्कुल, of course, बच्चों के लिए है हम यहाँ पे. मुझे पर्सनली एनिमेटेड फिल्म बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो बहुत मज़ा आता है फिल्म देखने में, स्टोरी बहुत अच्छी होती है. कोई एनिमेटेड फिल्म कभी भी आज तक कोई ऐसी ख़राब एनिमेटेड फिल्म बनी नहीं है, और ऐसी माइंड ब्लोइंग लाइफ टीचिंग्स होती है ना उसके बारे में उस फिल्म में, तो मज़ा आया था. मुझे कुछ ज़्यादा फादर्स डे टाइप लगा कुछ प्रोमो, तो भी देखूंगा, देखते हैं क्या. मैं योगा नहीं करता यार, जिम जाता. आई डोंट नो, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल डू इट, इट्स इंटरनेशनली नोन एंड इट्स कम फ्रॉम द कंट्री, एवरीबडी डज इट. आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट, आई पर्सनली डू. Okay, rolling. Thank you so much. हमेशा से रहा है. इनक्रेडिबल्स वन वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, और अंडर कवर जो एजेंट्स हैं जो दुनिया बचाने वाले हैं उनका पार्ट टू तो देखना बनता है. आई थिंक ऑल ऑफ अस आर ईगली वेटिंग फॉर इट, एंड आई थिंक आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी पार्ट टू. आई लव द प्रोमो, और मुझे एनिमेशन फिल्म्स और कार्टून फिल्म्स बहुत पसंद हैं, एंड आई लव द वे दे डब. हॉलीवुड में द बेस्ट पार्ट इज आई थिंक दे डब इट सो वेल, ऐसा लगता है वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. आपको लगता है कहीं ना कहीं बॉलीवुड इसमें बैक है और फिल्म कम बनाता है? हाँ, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, बिकॉज बहुत बहुत मेहनत का काम है, और टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं हम शायद वीक पड़ते हैं. बट आई थिंक वी आर ऑल्सो इम्प्रूविंग, वी आर ऑल्सो मेकिंग गुड एनिमेशन फिल्म्स, एंड बहुत जल्द हम भी उसी लेवल पर होंगे. But yeah, right now the fact is that we are not like them, but we are somewhere, reaching there.
क्योंकि मैम आप काफी फिट हैं, तो योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली बिकॉज हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं. आई थिंक सारे मेट्रोज में लोग ट्रैफिक में फंस के गाड़ियों में बैठे रहते हैं या ऑफिस में पूरे दिन एक ही कुर्सी पे बैठे रहते हैं. देर आर सम बेसिक एक्सरसाइजेज जो सब लोगों को करनी चाहिए, सिर्फ इसीलिए नहीं कि आपको फिट रहना है, इसलिए क्योंकि आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक इस ये जो योगा डे आ रहा है ये इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि भाई एक दिन योगा डे आया तो सब योगा कर रहे हैं. आई थिंक योगा हमारी लाइफ में बहुत सारा बहुत नॉट ओनली एक्सरसाइज बट इट ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअल बनाता है. सो आई थिंक इट कनेक्ट्स यू विद योर सेल्फ. सो थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू. कम. हाउ आर यू? वेरी गुड. वेरी गुड. गुड टू सी यू. या वन सेकंड. कैमरा लो. आप लोग भी देखेंगे ना? अच्छा, इतना मौका छोड़ना नहीं चाहिए. थैंक यू गाइस. थैंक यू. कैमरा लव्स यू. यार मैंने फर्स्ट पार्ट देखी नहीं है, तो मैंने ट्रेलर देखा. इट्स इट लुक्स वेरी फनी, एंटरटेनिंग लग रही है, तो आई एम एक्साइटेड. यार मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं अभी भी अंदर से बहुत छोटा बच्चा ही हूँ, तो मैं तो बहुत पसंद करता हूँ ये सारी चीज़ें. स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा लाइफ में. फालतू चीज़ सीरियस फिल्म में ज़्यादा पसंद करता था, अब बस कभी कभी ऐसा मन करता है कि कोई यू नो ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, बस चलते रहे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. देखते कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है वॉइस, बहुत पसंद आई, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एंड मैंने एनिमेशन फिल्म भी शायद नहीं देखी आज तक. हाँ मैंने एनिमेशन फिल्म भी नहीं देखी आज तक, फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा. बस मैं आ गया वहाँ पे देखने, प्रोमो देख के. लेकिन I haven't seen the first part. Excited? जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा उन्होंने कहा कि इट्स ब्रिलियंट. तो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सबने देखी है, सिवाय मेरे, सबने कहा द फर्स्ट पार्ट इज ब्रिलियंट. सो फर्स्ट पार्ट तो मुझे डीवीडी मिली नहीं, तो सेकेंड देख के मैं फर्स्ट पार्ट ही देखूँ. मैंने कहा कि मैंने कोई देखी नहीं है. मैंने कोई नहीं देखी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you so much.